क्रिकेट खेलने में यूज होता है गेंद और बल्ला, क्रिकेट खेलने में यूज होता है गेंद और बल्ला। आओ चल के देखें इंस्टाग्राम पे कौन सा नया मच रहा है हल्ला। देखो एक साड़ी संभल नहीं रही है बिचारी से, और बात सियानी लिख दूं कहानी लिख दूं। इतने ज्यादा पढ़ने लिखने में आप और हम अच्छे होते तो आपको यहाँ पर ठुमके और मेरे को आपके नाम की स्क्रिप्ट ना लिखनी पड़ रही होती। कहानी लिख दूं के मैं खुद ने राजा लिखना, खुद ने टेढ़ा राजा लिखना। पर बहन इस गाने पे भी आते हैं दोस्तों, अपन पहले इस बीमारी को देख लें, ये फैल ना जाए कहीं। चुरमे हर जाए तूने क्या किया क्या किया। एक तो इनकी आधी वीडियो में इनका मुंह ही नहीं दिखता, इंसान को पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन सी प्रजाति के सांप को सरसराते हुए देख रहे हैं। ना नको बिल्कुल नहीं। जाने मैं ये अब कैसे। सोचो कोई इंस्टाग्राम खोले और पहली चीज उसके सामने ये आए, क्या दिखाना चाहते हो? पीछे से हक करते हुए दिखाने तो ऊपर वाला एंगल ले लेते, इतने नीचे क्यों ले जाना एंगल को है? अगर हक दिखाना है पीठ दिखाओ, हक दिखाओ, टैलेंट दिखाओ। ओ सॉरी, टैलेंट तो यही है इनका। लिटरली मी 12 घंटे सोने के बाद आलस फैलाता हुआ, रील बनाने के लिए उठ गए, नहा धो लिए, मेकअप कर लिया, अच्छे से तैयार हो गए, कहीं आलस नहीं करी, पर रील बनाने के टाइम आलस आ गई। अरे जब इतना कुछ किया था तो पलंग से भी उठ जाते, पर नहीं, पलंग पे ही लोट मारना नए कपड़े पहन के। मम्मी ने नहीं बताया कपड़े खराब हो जाते हैं। यार एक तो इसको पता है कुछ बोलने में मुझे डर लगता है कि क्या पता सच में कोई बीमारी हो बिचारी को। मतलब कौन सा नॉर्मल आदमी छाती को खुद से 2 किलोमीटर आगे और पिछवाड़ों को खुद से 2 किलोमीटर पीछे लेके चलता है। और इसको हम पीछे छोड़ते हैं, अभी आगे बात करते हैं हमारे गाने के बारे में। आजकल इंस्टाग्राम पे हर दूसरा बंदा खुद को राजा और अपनी गर्लफ्रेंड को रानी लिख रहा है, जिनके खुद के घर वाले उन्हें अपने घर का नौकर और नौकरानी भी ना लिखें। टिकटॉक नामक मरी हुई बीमारी के बचे हुए खटमलों, एक दूसरे के मुंह के अंदर बैठ जाओ, एक दूसरे के मुंह में बैठो और वहां बैठ के अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर लो। मुंह के अंदर घुसा दे उसके कैमरा, उसके थूक के रेशे तक दिख रहा है मुझे। और ये पीछे खड़े हुए मेंढक ने आगे वाली छिपकली से ज्यादा लिपस्टिक लगाई है। भाई तू राजा रानी बाद में लिखना, पहले उसकी लिपस्टिक उसके नाम पे लिख दे। बात कोई शानी लिख दूं के तेरे पे, कहानी लिख दूं के मैं खुद ने। सीट बेल्ट पहनी नहीं है पर मैडम को रील बनाना है, सीट बेल्ट पहनी नहीं है पर मैडम को रील बनाना है। इससे अच्छा पुलिस स्टेशन जाओ और उनसे जाके बोल दो कि भैया 500 की पर्ची कटवाना है, वरना पुलिस वाले भैया ने देख ली तो वो भी गाना गा लेंगे, आ बेटी तेरी पर्ची लिख दूं मैं, 500 का जुर्माना भर दूं मैं, और ज्यादा गेड़ी मार रही हो तो तेरी गाड़ी थाने के नाम लिख दूं मैं। कितना गंदा गाता हूं मैं लिरिक्स, ना भाव ना कुछ। लिखना चाहूं तो मैं मेरी रानी लिख दूं के। एक तो वैसे ही पूरी दुनिया ने स्टीरियोटाइप बना रखा है कि लड़कियों को गाड़ी चलानी नहीं आती, वुमेन वुमेन करके मीम खत्म नहीं हो रहा है। ऊपर से इसको देखो, गाड़ी चलाने से ज्यादा कहानी लिख दूं सियानी लिख दूं में लगी है। सामने देख ले बहन वरना किसी की छाती पे अपने टायर लिख देगी। और इस ट्रेंड में हमारी कच्चा बादाम दीदी ने भी पार्टिसिपेट किया है। नहीं नहीं नहीं, वो पुराना टाइम गया जब वो कांच के सामने ठुमके लगाती थी, अब वो टाइम भी चला गया जब वो सिर्फ चलती थी, अब नया टाइम आ चुका है, वो अपनी ऑडियंस को नया कंटेंट देती है, अब वो साथ में एक बंदा लेके चलती है जो कि शायद उनका बॉय फ्रेंड है। बात कोई शानी लिख दूं के तेरे पे, कहानी लिख दूं के मैं खुद में, राजा लिखना चाहूं तो मैं मेरी रानी लिख दूं के। और कमेंट में ऑडियंस गाली लिखने भी लगी होगी। मतलब लिटरली तुम सोचो 13 मिलियन लोगों ने इसलिए फॉलो किया कि एक हुस्न परी सुंदरता की चटकी मूरत अपनी गाड़ी बाजू में लगाए, उससे उतरे और जाके रोड तक जाके वापस आ जाए अपने बॉयफ्रेंड के साथ। मतलब मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि तुम लोग क्या हो बहन, कछुआ कपल, रोड के पास जाके छूके थप्पा करके वापस आ गए उसको। और उसमें भी बेचारी कच्चा बादाम दीदी ने इतनी मेहनत कर ली कि उनकी आंख में धूल मिट्टी कंकर गिट्टी गुट अट्टी क्या पता क्या क्या चला गया, फिर उसको साफ करने के लिए सेम सॉन्ग पे एक और रील बना दी। सोचो उसकी गर्लफ्रेंड उसके सामने कंकर निकाल रही है, वो कह रहा अपन रील निकालेंगे, चल छोटू कैमरा चालू कर मैं इसकी आंख फोड़ू, देखना भाई सच में आंख मत फोड़ देना वरना बेचारी अपने उसूलों पे सिद्धांतों पे कायम नहीं रह पाएगी। मतलब अगर उसका सिद्धांत ये कहता है कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आप वो कर सकते हो, क्या मतलब कैसे कर सकते हो? मैं डांस करती हूं, मैंने कभी डांस नहीं सीखा, मैं कुछ वीडियोस ऐसे भी बनाती हूं जिसमें एक्टिंग भी होती है, मैंने कभी एक्टिंग नहीं सीखी। सर किसी चीज को बनने के लिए सीखने की जरूरत नहीं होती, जज्बा होना चाहिए। जज्बा जज्बा तो ठीक है बहन, बस बिना सीखे ड्राइविंग करने मत पहुंच जाना, वरना अगर एक्सीडेंट हो गया तो जज्बा भी कुछ नहीं कर पाएगा, बचा नहीं पाएगा आपको। और इसने अगर तुम्हें सच में अंधा कर दिया तो तुम सीख के भी नहीं चला पाओगे, क्योंकि जज्बे को आंख की गोटियों की जगह लगा के देख नहीं पाओगी ना दीदी तुम। और जैसे ये नहीं देख पा रही वैसे ये बिचारी निब्बियां भी नहीं देख पा रही है कि ये रील इनके फ्यूचर में कहीं काम नहीं आएगी। बात कोई शानी लिख दूं के तेरे पे, कहानी लिख दूं के मैं खुद में, राजा लिखना चाहूं तो मैं मेरी रानी लिख दूं के। चावल बनते हैं कुकर में, दाल फ्राई होती है इन द कढ़ाई, चावल बनते हैं कुकर में, दाल फ्राई होती है इन द कढ़ाई, और जब ये फेल हो जाएगी तो सब इससे पूछेंगे क्यों नहीं हो रही पढ़ाई।
इस उम्र में लिख लिख के इतना परेशान हो गया था कि अपनी होमवर्क की कॉपी में लिखते नहीं बनता था मुझसे, लोगों से बिचारों से प्रोजेक्ट लिखे नहीं जा रहे, परेशान हो गए लिख लिख के। और इसको देखो, राजा लिख दूं मैं, रानी लिख दूं, क्या करेगी राजा रानी लिख के, राजा मंत्री चोर सिपाही खेलेगी। इससे अच्छा अपने एग्जाम में लिख, पढ़ाई कर, पास होने की कोशिश कर, क्योंकि ये सब एग्जाम में काम नहीं आएगा। और एक तो ये बिचारी छोटी छोटी निब्बियां ऐसे शो वाले छपरियों के झांसों में आ जाती है। बात कोई कहानी लिख दूं के तेरे पे, कहानी लिख दूं के मैं खुद में, राजा लिखना चाहूं तो मैं मेरी रानी लिख दूं के। और भाई अगर तू खुद को राजा लिखने वाला है तो मैं खुद को जली हुई राख लिख दूंगा, क्योंकि तेरे शासन में मैं तो जिंदा नहीं रह पाऊंगा। बाकी भाई के पास 2 iPhone है, सॉरी 3, एक से वीडियो भी बन रही है और तीनों की EMI बराबर कट रही है और लंका लगी हुई है, बेचारे के पास बाल कटवाने के पैसे नहीं बचे। और फिर भी भाई ने अपनी किडनी बेच के जो खरीदे है मोबाइल वो सामने रख दिए, कहां, ट्रेन में, जहां लिखा होता है जेब कतरों से सावधान। बेटा जेब कतरे की नजर पड़ गई ना तो जेब भी काट देगा, बाल भी काट देगा, कुछ बचने नहीं देगा, समझी मेरी जुल्फी मावा कुल्फी। तुझको छपरी लिख दूं के तेरे सुनहरे बालों पे इंक फेंक दूं के, तेरे माथे पर छिछोरा लिखना चाहूं, तुझे गंदगी की निशानी लिख दूं के। राजा रानी तो नहीं लिखा, ऊपर लिख दिया कि वीडियो बनाने नहीं देते, और कैमरामैन बेचारे वो पीछे वालों की उसमें घुसा जा रहा है। भाई जब उसको शूट करना है तो मॉडल को शूट कर, पर नहीं, इतना अच्छा डांस किया बेचारी गरम तेल में उछलती हुई मूंगफली ने, पर उसको शूट नहीं कर रहा है, इतना बढ़िया डांस कर रही है। अगर ये ओवर एक्टिंग ना करवाई होती अपनी स्क्रिप्टेड वाली तो कितनी अच्छी वीडियो रहती। बाकी ऐसी जगहों पर तो पीछे वाले को लोग जबरदस्ती शूट कर लेते क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, कहां कौन लोटा लेके बैठा हो। और इस बेचारी की भी गलती नहीं है दोस्तों, ट्रेंडिंग सॉन्ग है तो व्यूज के लिए सब कर देते हैं, जैसे इन लोगों को देखो ये तो कुछ भी डाल रहे हैं। थाम्बा गर्लफ्रेंड है या सामान का झोला बोनट पे टिका दिया और मस्त मोबाइल चल रहा है। और गलती उस बेचारे प्रपोज करने वाले की नहीं है, जितनी बड़ी बड़ी जुल्फे उसने रख रखी है मैं इसको दूर से भैंस की पूंछ समझ सकता हूँ पर लड़का नहीं। और अगर लिखने लिखाने से सच में काम हो रहा है, शक्ल लक्का बुम बुम की पेंसिल काम कर रही है, तो जाके वो लड़के के सर पे लड़की लिख देता, लड़की वापस सिंगल हो जाती बाजू वाली। और वो प्रपोज करने वाले को दोस्तों सॉरी भी इसीलिए बोलना पड़ा कि सॉरी बहन जी आपको मैंने लड़का समझ लिया था, सॉरी लड़की समझ लिया था। बहन तू उसके माथे पे गरीब लिख दे सबसे पहले, क्योंकि राजा रानी लिखने लायक आदमी नहीं है वो। और ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया कि उसके कंधे पे एंडा बेंडा सा सोने आया है, और ये गर्लफ्रेंड भी क्या पता कैसी पॉकेट मनी दे रही है उसको। ये ऐसे सेम बचपन में हमारे पास एक अंकल आंटी रहते हैं वो थे, और अभी वो बिचारी आंटी घरों घरों में काम करके आती है, वो अंकल रात में उनसे पैसा छीन के दारू पीने चल जाते हैं, यही फ्यूचर है दोस्तों। बस फर्क इतना है कि आंटी गेबली की तरह खुश नहीं होती अपने पैसे जाने के बाद। मुझे तो बेचारे बाजू वाले पे दया आ रही है, उसने अनइंस्टॉल कर दिया था इंस्टाग्राम, ये सब ना देखना पड़े इसके लिए। वो देखो उसके सामने आ गया लाइव कॉन्सर्ट दिखाने की, ला देख ले। और उसको भी देखो बेचारी लड़की को, इतनी बड़ी मेट्रो, इतनी सारी खाली सीटें, पर नहीं, उसकी गोदी में तो रिक्लाइनर का सोफा लगा है, फूलों की सेज सजी हुई है। और वो छग्गू छिलके को देख लो, जैसे ही कोई उसके सोफे पे बैठता तुरंत सीट बेल्ट लगा देता है, फुल सुविधा दे रहा है सीट बेल्ट की। और इससे ज्यादा सुविधा तो हमारे बेचारे टीचर जी दे रहे हैं जो ट्रेंडिंग सॉन्ग के हिसाब से पढ़ाई करवा देते हैं, ये फायदा उठाए ट्रेंडिंग सॉन्ग का। सर जी एक सवाल है, समझ ये नहीं आ रहा कि एग्जाम में गाना लिख के आने पे पास हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि आपने तो बता दिया कि गाने सही है सारे फॉर्मूले हैं। बाकी दोस्तों कोई भरोसा नहीं है, फ्यूचर में स्कूल में भी एक सब्जेक्ट अलग से हो जाएगा कि हाउ टू बी अ गुड रीलर, और वहां पे टीचर जी सिखाएंगे कि बच्चों रील में कभी भी अपने शारीरिक अंगों का इस्तेमाल ना करें फेमस होने के लिए, नहीं तो फिर लोग आपके कमेंट में लिखेंगे गाली लिख दूं के इतनी गंदी, गाली लिख दूं के। ऐसी वीडियो देख के मेरा सच में अंदर से मन करता है कि मोबाइल के अंदर हाथ डाल के उसका एयरफोन वापस उसके कान में ठूस दूं। यार सामान गिर जाता आंखों के सामने, मुझे तो सहा नहीं जाता, पर ठीक है जब उस चिलकांडी को कोई दिक्कत नहीं है तो अपन कौन होते हैं। और वैसे भी इसकी राजा रानी की कहानी का बजट कम था, अब 400-500 रुपए और कम हो गए, नया एयरबड खरीदना पड़ेगा। और ये सब तो बस बोलते रहेगा ये लिख दूं वो लिख दूं, पर लिखा सिर्फ ये आंटी ने, सच में लिख दिया। पहले मुझे लग रहा था कि अगर आंटी लिख रही हैं तो ये कुपोषित सा डोरेमोन क्यों लिख रही हैं, फिर बाद में पता चला नहीं 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 आंटी ने कुपोषित भालू लिखा। पर कुछ भी कहो आंटी ने पेंटिंग बहुत अच्छी करी, बहुत बढ़िया आंटी, क्या पेंटिंग तो नहीं बोलेंगे इसको, पेंट में तो कलर वाला रह जाएगा, स्केच बनाया स्केच बोलेंगे क्या पता, दोस्तों कमेंट में बता देना इसको बोलते क्या जो आंटी ने धूल के साथ किया है अभद्र व्यवहार। बाकी दोस्तों सोचने की बात यह है कि एक गरीब आदमी के घर में कार नहीं आ पाती जिंदगी भर, बेचारे सब फैमिली वाले अलग अलग बाइक से घूमते हैं, और किसी अमीर आदमी के घर में इतनी कारें होती है कि कार खड़ी खड़ी धूल खा रही होती है। इस ट्रेंड में बहुत सारी खराब खराब वीडियोस थी, पर एक वीडियो बहुत बढ़िया थी, तो आओ एक बढ़िया वीडियो देखते हैं आखिरी में। बात कोई कहानी लिख दूं के तेरे पे, कहानी लिख दूं के मैं खुद में, राजा लिखना चाहूं तो मैं मेरी रानी लिख दूं के।
आंटी जी को सिर्फ दो बार घूंघट हटाने का रोल मिला था। बाकी दोस्तों ये ट्रेंड पे सब लोगों ने कहानी लिख दू बोला है, पर सिर्फ अंकल ही डिजर्व करते इस पे कहानी लिखना, क्योंकि अंकल ने सच में पूरी जिंदगी जी ली है। अंकल के पास असली कहानी है, आजकल के मूली चुकंदरों की तरह नहीं 2 महीने साथ में रहे ये लिख दू वो लिख दू। बाकी अगर सच में लिखना है कुछ अच्छा तो मेरे कमेंट में लिखो, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और सच में जरूरत है दोस्तों लाइक की, आजकल कर नहीं रहे हो तो प्लीज कर दो। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय गुड नाइट धन्यवाद, और किसी टॉपिक पे रोस्ट करवाना हो तो वो भी बता दो। ओके बाय। मम्मी मेरे नाम जायदाद लिख दो। क्या मतलब? मेरे सर पर गधा लिख सकती हो बस।